दिल्ली की पटेल हाउस कोर्ट ने 37 साल पुराने प्लेन हाईजैक मामले में दो लोगों को बरी कर दिया है। मामला सन 1981 का है जब दिल्ली से श्रीनगर जा रहे एक प्लेन को 5 हथियारबंद सिखों ने हाईजैक कर लिया था। वह लोग विमान को पाकिस्तान के लाहौर ले जा रहे थे, जहां पाक कमांडोज ने उन्हें धर दबोचा था। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं दिल्ली कोर्ट के सतनाम सिंह और तेजेंद्र पाल को बरी करने का फैसले का स्वागत करता हूं। इस मामले में वो पहले ही पाकिस्तान में सजा काट चुके हैं। दरअसल उस वक्त जनरल सिंह भिंडरवाला जेल में बंद था। खालिस्तान के समर्थक प्लेन हाईजैकर्स जनरल सिंह को जेल से छुड़ाने की मांग कर रहे थे। हालांकि प्लेन को लाहौर पहुंचने के बाद पाकिस्तानी कमांडोज ने इन सभी हाईजैकर्स को धर दबोचा था और उनके खिलाफ मुकदमा भी पाकिस्तान में ही चला, और वहां की अदालत ने इन हाईजैकिंग केस में सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए 14 साल की सजा सुनाई थी। जब सभी दोषी 14 साल की कैद काटने के बाद जेल से बाहर निकले तो उनमें से दो कनाडा और दो अमेरिका पहुंच गए थे, लेकिन वहां की सरकारों ने उन्हें दोनों को भारत भेज दिया, जहां भारत सरकार ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया था। लेकिन सबूतों के अभाव में सतनाम सिंह और तेजेंद्र पाल सिंह को पटियाला हाउस कोर्ट ने देशद्रोह के आरोप से बरी कर दिया है। कोर्ट ने माना कि प्लेन हाईजैक करने के मामले में सभी दोषी पहले ही पाकिस्तान में सजा काट चुके हैं। उनके वकील की तरफ से यही दलील दी गई है कि उम्र कैद अधिकतम सजा है जिसे वह इस अपराध के लिए काट चुके हैं, लिहाजा इस मामले में अब दूसरी सजा देना उनके लिए अन्याय होगा।